नमस्कार, मैं इंद्रनी और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल इंद्रनी राय आयर चैनल में। दोस्त, आप सभी को पता है कि विक्रम सिंह चौहान के बारे में हम कभी भी एक लेवल की बात करता हूँ, सोच की बात करता हूँ, तो सबसे बड़ी बात क्या उठती है, व्हेन विक्रम सिंह चौहान कमिंग इन टेलीविजन आफ्टर 3600 महीना। बिकॉज आप सभी को पता है कि 3600 महीना लॉन्च हो चुकी है, कल ही लॉन्च हुई, जिसको मैं योर टाइम लेना के न्यूज चैनल में मैं अपडेट किया पूरे डिटेल्स के साथ। तो बहुत सारे व्यूअर्स सब बोल रहे हैं कि भाई आप गुलखर मैम का एक नया शो आ रहा है स्टार प्लस में, शायद आपको पता होगा, उसमें भी क्या उसमें गुलखर मैम के शोज में विक्रम सिंह चौहान और अदिति शर्मा रहेंगे। देखो, अगर हम फैंस की तरह अगर बात करो तो हाँ, मुझे लगता है कि विक्रम सिंह चौहान और अदिति शर्मा को ही रहना चाहिए जो गुलखर मैम के जो आने वाले शोज है उसमें, ठीक है। क्योंकि देखो, एक डिटेल्स होती है, एक डिटेल्स में फैंस क्या चाहते हैं, किस शोज में उनको देखना चाहते हैं, यह सबसे बड़ी डिपेंड करता है। यह शायद बहुत सारे व्यूअर्स को शायद ये पता नहीं होता है कि एक एक्टर एक एक्ट्रेस की डिमांड कितनी हाई लेवल में होती है। आज देख लो, जितने सोशल साइट है, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, यूट्यूब हो गए, टेलीग्राम हो गए, और क्या फेसबुक पेज हो गए, ट्विटर हो गए, यहाँ पे हर एक फैंस उनको फॉलो क्यों करते हैं? रीजन है क्योंकि उनकी हर एक चीज जानना चाहेंगे, उनकी पिक्चर्स के बारे में हो जाए, वीडियोज की बात हो जाए, हर एक चीज, और वो शेयर भी करते अपने फैंस के लिए, जो एक तरह की बहुत बेनिफिट होती है, फैंस पसंद भी करते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि गुलखर मैम के जो आने वाले जो शो है, शायद आपको पता होगा यह प्यार क्या था शो का नाम, यह परिवार प्यार भरे नाम का शो है आने वाला, जो गुलखर मैम के जो स्लॉट रखा गया है, टाइमिंग रात 11 बजे स्लॉट किया गया है। जी हाँ, रात 11 बजे शो लॉन्च होगी। अभी तक डेट सामने नहीं आया कौन एक्टर है कौन एक्ट्रेस रहेंगी, ये बात नहीं हुई, लेकिन जो फैंस है गुलखर मैम के, अदिति मैम के, विक्रम सिंह चौहान के, उनके लिए तो ये खबर है। जो फैंस है वो तो डिमांड्स करेंगे, अब आप चाहो तो ट्रेंड कर सकते हो, डिमांड्स कर सकते हो विक्रम आदित्य को लेके, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।